13 का गाड़ी है ना मैडम, पहले बताइए प्राइस मजेदार देंगे क्या मैडम? दे रही है तो ले, ओ भाई साहब 175 में गाड़ी मिल गया भाई, ले जा। क्या आस्किंग डिमांड पे गाड़ी देंगे मैडम, तो सब बता दीजिए। 260। हाँ, 260,000 में गाड़ी दे रहे हो मैडम? सच बता रहे हो या मजाक कर रहे हो ये बताइए। एकदम 260 में बोलेरो ले जाइए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक बार आप लोगों को लेके आया हूँ गुवाहाटी यूज कार शोरूम पे, और यूज कार शोरूम पे काफी सारा गाड़ियों की स्टॉक आप लोगों को पता है मिलता है, और आज आप लोगों को ये सब गाड़ी दिखाएंगे। बस वीडियो के अंदर दिल थाम के बैठना, कहीं पे भी मत जाना, और जितना हो सके गाड़ियों की डिटेल्स आप लोग को बताएंगे और गाड़ी अंदर से बाहर से आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे। बाकी ऑल ओवर आसाम फाइनेंस होता है या नहीं होता है, यहाँ स्टाफ मैम हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे ये सब डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंदर दिल थाम के बैठना, कहीं पे भी मत जाना, और इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। सो गाइस, फाइनली फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे आलिशा कार केयर की स्टाफ मैम। हेलो मैम। हाय। बहुत दिनों की बात मैडम, थोड़ा सा बताइए कितना गाड़ियों की स्टॉक आपके पास है आज? अभी तो 30 से 35 गाड़ी स्टॉक में हो रही है। 30 से 35 गाड़ी है ना? ऑल ओवर आसाम फाइनेंस कराते हो क्या मैडम? हाँ हाँ, सब कुछ है। ऑल ओवर आसाम फाइनेंस कराएंगे। अदर स्टेट वाले भाइयों को क्या कराएंगे मैडम? एनओसी निकलते। एनओसी कितना दिन के अंदर देते हो मैडम? 10 से 15 दिन के अंदर एनओसी निकाल के देंगे। बहुत अच्छी बात है। और फाइनेंस के लिए डाउन पेमेंट आपको कितना देना होता है मैडम? 30% देने पड़ेंगे ना। बाकी आज कितना गाड़ी है आपके पास? 30 से 35 गाड़ी है ना। बाकी मैडम हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा लोकेशन बताइए आपकी यहाँ की। हमारी लोकेशन आलिशा कार केयर, जयानगर रोड 6 माइल गुवाहाटी। एड्रेस सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मेंशन करूंगा, और मैडम के नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, एक बार फोन लगाइए, बातचीत करिए। मैडम पहला गाड़ी हमारे पास फोर्ड फिएस्टा है। थोड़ा सा बताइए। 2012 का गाड़ी है। ओनर फर्स्ट है सेकंड है मैडम? फर्स्ट ओनर है। डीजल या पेट्रोल है? डीजल वेरिएंट है ना। TDCI वेरिएंट है। और एलॉय व्हील वाली है। टायर तो चारों नया है मैडम? और किलोमीटर क्या चल चुकी है गाड़ी? 60 प्लस चला हुआ है ना गाड़ी। देखिए व्यूअर्स, डीजल वेरिएंट गाड़ी है, एलॉय व्हील के साथ गाड़ी है, और टायर जो है चारों टायर आप लोग को बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन मिलेंगे। गाड़ी देखिए, जितना हो सके गाड़ी आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे व्यूअर्स। यहाँ पे देखिए, वो भाई साहब पीछे डिफोगर मिल गया, एकदम मजेदार कंडीशन गाड़ी है भाई। अंदर से इंटीरियर भी आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए चारों पावर विंडो आप लोग को मिल गया, और मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, गाड़ी जो है काफ़ी सुंदर है, A1 कंडीशन पे है गाड़ी। बिल्कुल फिजिकली आप लोग को आना होगा, टेस्ट ड्राइव मानना होगा, इसके बाद ही जो है आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। बाकी बाहर चलेंगे और मैडम से जानेंगे कि आप पैसे में छोड़ेंगे। मैडम डोर लगा दीजिए, और तो सब चलिए, और तो सब बताइए कौन सा ईयर बताया? 2012। तो सब और दे जाइए। हाँ बताइए मैडम, क्या आस्किंग डिमांड हो रहा है गाड़ी का? 250। इसमें नेगोशिएट कराएंगे मैडम? और इसमें जो प्राइस आप बता रहे हो, इसी में क्या नेम ट्रांसफर भी आप करा के देते हो? नेम ट्रांसफर भी मैडम करा के देंगे। 2,50,000 रुपये प्राइस बताया, इसमें भी प्यार मोहब्बत ऑन टेबल ज़रूर मिलेंगे ना मैडम? बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे बोलेरो आ गया मैडम, गुवाहाटी स्टेट गाड़ी है। और इसका भी चारों चक्का नया है, 2011 का है। किलोमीटर कितना चला हुआ है मैडम? 120। 1,20,000 किलोमीटर चला हुआ है। और डेनी वेनी कुछ मिलेंगे क्या मैडम? एक्सीडेंटल वगैरह कुछ है क्या? थोड़ा सा एसकेस मिलेंगे, ये सब मैडम आप लोग को करके देंगे, है ना मैडम? और बाकी क्या आस्किंग डिमांड पे गाड़ी देंगे मैडम, तो सब बता दीजिए। 260। हाँ, 260,000 में गाड़ी दे रहे हो मैडम? सच बता रहे हो या मजाक कर रहे हो ये बताइए। नहीं, 260। एकदम 260 में बोलेरो ले जाइए भाई, SLX वेरियंट 2011 मॉडल गाड़ी है। फास्ट ओनर है क्या मैडम? फास्ट ओनर गाड़ी है भाई, समझ सकते हो। 260,000 में कभी बोलेरो आप लोग को मिला है क्या? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैडम बताइए, स्विफ्ट है? ZXI प्लस 2020 का है, 2020 मॉडल गाड़ी है। फास्ट ओनर सेकंड है मैडम? अच्छा, मात्र 2 ईयर्स हुआ है गाड़ी, और एकदम टॉप एंड मॉडल है ना। प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल गया, और यहाँ पे देखिए भाई एलॉय व्हील भी मिल जाएंगे आप लोग को, और टायर कंडीशन देखिए भी वैसे एकदम नया नया टायर चारों आप लोग को मिलेंगे। और बाकी घूम के आप लोग को गाड़ी दिखाने की कोशिश करेंगे, इसके पहले मैडम से जानेंगे मैडम किलोमीटर क्या चला हुआ था ये गाड़ी का? 42,000 किलोमीटर चला हुआ है ना। और गाड़ी देखिए व्यूअर्स, गाड़ी की पेंट देखिए भाई, इतना सुंदर पेंट है, ऐसा लग रहा है कि नया गाड़ी है भाई। 2020 मॉडल गाड़ी है, जितना हो सके आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए पीछे डिफोगर मिल गया, वाइपर मिल गया, और गुवाहाटी स्टेट गाड़ी है भाई। और टायर तो चारों आप लोग को एकदम नया कंडीशन मिलेंगे। डोर थोड़ा सा खोल दीजिए मैडम, यहाँ पे व्यूअर्स को थोड़ा दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए भाई मैडम, थोड़ा सा डोर पकड़िए,
और यहाँ पे देखिए चारों पावर विंडो आप लोग को मिल जाएंगे, मिरर एडजस्टेबल मिल जाएंगे, मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है और पुश बटन चालू है गाड़ी के अंदर भाई, एकदम टॉप एंड मॉडल है। स्क्रीन टच म्यूजिक सिस्टम भी आप लोग को मिलेंगे और सीटों की कंडीशन वगैरह देखिए भाई एकदम A1 कंडीशन पे, एकदम बेहतरीन कंडीशन है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है, फिजिकली आइए टेल ड्राइव मारिए और बिल्कुल गाड़ी जो है ले जाइए, पन्नी वन्नी अभी तक लगा हुआ है भाई। बाहर चलेंगे मैडम से जानेंगे, 2020 मॉडल गाड़ी है, पेट्रोल वेरिएंट है। मैडम थोड़ा सा उस साइड पे जाइए और थोड़ा सा बताइए कितना किलोमीटर चला हुआ बताया था मैडम आपने? 42,000 चला हुआ। क्या आस्किंग डिमांड हो रहा है मैडम गाड़ी का? 6,90,000। इसमें नेगोशिएट कराएंगे मैडम? इसमें भी थोड़ा सा नेगोशिएट कराएंगे और नेम ट्रांसफर मैडम आप लोग को करा के देंगे, आधार स्टेट वाले भाइयों को एनओसी भी निकाल के देंगे, निकाल के देंगे। बाकी मैडम एनओसी कितना दिन के अंदर निकाल देंगे मैडम, तो सब बताइए? 10 से 15 दिन के अंदर मैडम एनओसी निकाल के देंगे। सैलरी है, काफी डिमांडेबल गाड़ी है, भाई लोग काफी डिमांड करते हैं। थोड़ा सा बताइए कौन सा ईयर की गाड़ी हो रहा है मैडम? 2019 का है ना? ओनर फर्स्ट है सेकेंड है मैडम? फर्स्ट ओनर है। और डेनी मनी मैडम थोड़ा सा बताइए, यार लोग बोलते रहते हैं डेंट में कुछ नहीं है ना, एक्सीडेंट वगैरह कोई सीन तो नहीं मिलेंगे? कुछ नहीं है, बस रिवर्स। आप लोग जब आओगी गाड़ी को अच्छे से चेकआउट करना, अच्छे से टेस्ट ड्राइव मारना, इसकी बाद जो है गाड़ी परचेस करना। कितना किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है मैडम? 45,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है भाई। यहाँ पे देखिए और कौन सा वेरियंट होने वाला है मैडम? ZXi क्या? ZXi वेरियंट है रिवर्स गाड़ी। देखिए टायर कंडीशन कुछ इस तरह से आप लोग को मिलेंगे, जितना हो सके रिवर्स आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी गाड़ी की पेंट देखिए रिवर्स, पेंट जो है काफी सुंदर है भाई। और पीछे साइड से भी थोड़ा आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे व्यूअर्स। यहाँ पे देखिए भाई डीप वगैरह मिल गया, वाइपर मिल गया, गुवाहाटी स्टेट गाड़ी है। और ये बाप रे बाप, अंदर से थोड़ा इंटीरियर भी आप लोग को दिखाएंगे व्यूअर्स। यहाँ पे देखिए भाई, ओ भाई इसमें भी डोयल्टन इंटीरियर वाली गाड़ी है और चारों पावर विंडो जो है आप लोग को मिल जाएंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है और गाड़ी जो है भाई काफ़ी साफ सुथरा है। यहाँ पे देखिए कंपनी फिट म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएंगे और सीटों की कंडीशन वगैरह एकदम देखिए A1 कंडीशन पे है भाई। मैं सिर्फ आप लोग को दिखा सकता हूँ, इसलिए आप लोग जब आओगे गाड़ी लेने व्यूअर्स अच्छे से गाड़ी को टेस्ट ड्राइव मारना, अच्छे से जांच पड़ताल करना, इसकी बात जो है गाड़ी बिल्कुल ले जाना, अपना घर का शोभा बढ़ा देना। और मेरी इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपका ड्रीम कार आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। बाकी मैडम से जानेंगे 2019 मॉडल गाड़ी टॉप एंड वेरियंट है, क्या आस्किंग डिमांड पे देंगे मैडम? 450। इसमें नेगोशिएट कराएंगे मैडम? इसमें भी मैडम नेगोशिएट करा के बिल्कुल देंगे। नेक्स्ट मैडम यहाँ पे ऑल शेप वैगनर है मैडम, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा बताइए कौन सा ईयर्स की गाड़ी होगा, कौन सा ईयर्स की गाड़ी होगा मैडम? काफ़ी भाई लोग डिमांड करते हुए ये सब गाड़ियों के लिए। कौन सा ईयर्स की है मैडम ये गाड़ी? 2006 मॉडल है। ओ भाई साहब इसमें तो डीफोकर भी मिल जाती है। बताइए मैडम ओनर फर्स्ट है सेकेंड है? सेकेंड ओनर है। अच्छा गाड़ी देखिए, ड्राइविंग सीखने के लिए ये सब गाड़ी बहने लोगों को चाहिए होता है, इसीलिए आप लोग के लिए ये सब गाड़ी लेके आता हूँ। 2006 मॉडल गाड़ी है। यहाँ पे देखिए भाई मैडम इसमें पावर स्टीयरिंग मिलता है क्या? पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, क्या बात है भाई। यहाँ पे देखिए म्यूजिक सिस्टम भी आप लोग को मिल गया और मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, ड्राइविंग सीखने के लिए एक नंबर गाड़ी है। बाकी बाहर चलेंगे मैडम से जानेंगे। तो सर मैडम इस साइड पे थोड़ा सा आइए, सामने से व्यूअर्स को थोड़ा दिखाते हैं। 2006 मॉडल गाड़ी है ना, इसमें तो फाइनेंस नहीं होगा मैडम? और क्या आस्किंग डिमांड पे मैडम गाड़ी दे रहे हो? 130। इसमें नेगोशिएट कराएंगे मैडम? इसमें भी नेगोशिएट करा के बिल्कुल देंगे। गुवाहाट रजिस्टर्ड गाड़ी है। सारे पेपर अपडेट मिलेंगे क्या मैडम? सब कुछ अपडेट मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एल्टो है मैडम, थोड़ा सा आ जाइए मैडम के पास। बहुत सारा गाड़ी है व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए जितना हो सके इस वीडियो के अंदर आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे एल्टो है मैडम, थोड़ा सा बताइए एल्टो कौन सा ईयर्स की होगा? 2012 का है एल्टो LX वेरियंट है। फर्स्ट ओनर या सेकेंड ओनर है मैडम? फर्स्ट ओनर है। बाकी डेनी वेनिंग थोड़ा सा बताइए ना मैडम। अच्छा थोड़ा सा स्पेस मिलेंगे व्यूअर्स, ये सब आप लोग समझ सकते हो, सेकेंड हैंड गाड़ी है। अच्छा बाकी कुछ भी रहेंगे तो मैडम आप लोग को डिलीवरी के टाइम पे करा के देंगे, है ना मैडम? 2012 मॉडल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है। और क्या आस्किंग डिमांड दे रहे हो मैडम? 185। इसमें नेगोशिएट कराएंगे ना मैडम? इसमें भी नेगोशिएट कराएंगे, आपको ऑन टेबल आना होगा। 58,000 किलोमीटर चला हुआ है ना? ओ भाई साहब, और गाड़ी देखिए, और मैडम ने जो प्राइस बताया आप लोग को 1,85,000 रुपया इसमें नेगोशिएट कराएंगे। बस आप लोग को ऑन टेबल आना होगा, बातचीत करना होगा, इसके बाद जो है आप लोग को नेगोशिएबल मिलेंगे। नेक्स्ट मैडम यहाँ पे टोटा ETIOS है मैडम, कौन सा ईयर्स की गाड़ी होगा मैडम? 2012 का है। अच्छा ये भी 12 का है एल्टो, और यहाँ पे ETIOS भी 12 का है, तो इसमें तो फाइनेंस नहीं होगा मैडम? नहीं होगा, कैश लेना होगा ना?
ऊपर से फाइनेंस कराते हो, 2013 की ऊपर से मैडम फाइनेंस करा के देंगे, 2012 की नीचे से फाइनेंस नहीं होता है। मैडम बताइए कौन सा ईयर बता रहे हैं? 2012 2012 की गाड़ी है, पेट्रोल या डीजल है मैडम? डीजल वेरिएंट है। और कौन सा हो रहा है मैडम ये वेरिएंट, थोड़ा सा बताइए ना मैडम। जीडी वेरिएंट है ना। और ये बाप रे बाप, गाड़ी दिखे व्यूअर, जितना हो सके आप लोग को गाड़ी दिखाएंगे। और टोयोटा की काफी डिमांड आप लोग करते हो, यहाँ पे देखिए भाई धूल मिट्टी थोड़ा सा लगा हुआ है, ये सब साफ सुथरा करके आप लोग को देंगे डिलीवरी के टाइम पे। बाकी टायर वगैरह देखिए व्यूअर्स कुछ इस तरह से आप लोग को मिलेंगे, और अंदर से थोड़ा इंटीरियर भी आप लोग को दिखाएंगे। इसके पहले आप लोग थोड़ा सा पेंट देखिए व्यूअर्स, और पीछे साइड से भी थोड़ा सा आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए भाई थोड़ा इटियोस चाहिए तो बिल्कुल फिजिकली एक बार मैडम से फ़ोन लगाइए और बातचीत करिए, और बिल्कुल गाड़ी जो है ले जाइए भाई। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स गाड़ी के अंदर से देखिए चारों पावर विंडो जो है आप लोग को मिल जाएंगे, और मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है व्यूअर्स। टोयोटा एटियोस का डिक्की जो है काफ़ी बड़े डिक्की मिलता है, इसलिए लेगेज वगैरह रखने के लिए बिल्कुल दिक्कत होता ही नहीं है, इसलिए ये सब गाड़ी बहुत ज़्यादा लोग ढूंढते हैं। और इसीलिए ये सब गाड़ी आप लोग के लिए अपने भाई लेके आता है। भाई गाड़ी दिखे मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, जितना हो सके आप लोग को दिखाएंगे। बाकी बाहर चलेंगे मैडम से जान लेंगे ये गाड़ी कितना पैसे में छोड़ेंगे। इटियोस व्यूअर्स को जितना हो सका था दिखाया हूँ, 2012 की इटियोस है। और क्या आस्किंग डिमांड पे गाड़ी दे रहे हो मैडम? 250 इसमें नेगोशिएट कराएंगे मैडम, ऑन टेबल नेगोशिएट कराएंगे, सारे पेपर अपडेट मिलेंगे मैडम, सारे पेपर अपडेट मिलेंगे। ये हुंडई की बर्ना है मैडम, गुवाहाटी रजिस्टर्ड गाड़ी है, काफी बाई लुक की डिमांड रहता है ये सब गाड़ियों की, सेडान गाड़ियों की। आ जाइए मैडम, तो ऐसा बताइए कौन सा ईयर्स की गाड़ी होगा? 2013 फाइनेंस कराएंगे क्या इसमें मैडम? इसमें फाइनेंस हो जाएंगे, एक डेढ़ साल के लिए मैडम आराम से करा देंगे, चारों चक्का एकदम नया मिल जाएंगे। बाकी मैडम डेंटिंग बनी थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह, थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह मिलेंगे, ये सब मैडम आप लोग को करा के देंगे। एक्सीडेंटल गाड़ी मैडम के पास नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी किलोमीटर क्या बताया था मैडम? 42,000 किलोमीटर चला हुआ है ना। और गाड़ी दिखाएंगे व्यूअर्स आप लोग को जितना हो सके। यहाँ पे देखिए सेडान गाड़ियों की काफी डिमांड आप लोग करते हैं, और यहाँ पे देखिए भाई, ओ भाई साहब गाड़ी काफी सुंदर है, गुवाहाटी रजिस्टर्ड गाड़ी है। बाकी अंदर से थोड़ा इंटीरियर भी दिखाएंगे व्यूअर्स आप लोग को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाड़ी देखिए व्यूअर्स, डॉल्टन इंटीरियर वाली गाड़ी है, कंपनी फिट म्यूजिक सिस्टम मिलेंगे, एयरबैग मिलेंगे, एबीएस मिलेंगे, फुल्ली लोडेड गाड़ी है, और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है। और गाड़ी देखिए भाई इतना सुंदर गाड़ी है भाई, इतना मेंटेन पे रखा हुआ है, सीटों की कंडीशन वगैरह एकदम लाजवाब है। बाकी बाहर चलेंगे और मैडम से जानेंगे ये गाड़ी हमें कितना पैसे में देंगे। मैडम कौन सा ईयर्स का बताया था? 2013 ना। आ जाइए, आस्किंग डिमांड क्या दे रहे हो मैडम? 450 इसमें नेगोशिएट कराएंगे मैडम, इसमें नेगोशिएट भी कराएंगे, आप लोग को ऑन टेबल आना होगा। बाकी मैडम आपके पास तो और भी गाड़ी है, बहुत सारा स्विफ्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, वहाँ पे एल्टो भी है, बहुत सारा गाड़ी है। मैडम थोड़ा सा यहाँ से एक दो स्विफ्ट के बारे में भी बता दीजिए। आ जाइए, डिजायर तो वाइलुक को दिखाया हूँ लेकिन स्विफ्ट नहीं दिखाया हूँ, व्हाइट कलर में एक स्विफ्ट है ऑल शेफ्ट। मैडम कौन सा ईयर्स की गाड़ी होगा? 2011 का है, बहुत अच्छी बात है मैडम। ओनर फास्ट है, सेकंड है, फास्ट ओनर है ना। और यहाँ पे आइए मैडम, पेट्रोल या डीजल है? पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है। और क्या आस्किंग डिमांड पे गाड़ी दे रहे हो मैडम? 210,000 में स्विफ्ट जैसा गाड़ी बिल्कुल ले जाइए भाई, ड्राइविंग सीख के फिर से बेच दीजिए। नेक्स्ट मैडम यहाँ पे और एक स्विफ्ट है, 2016 का है, फास्ट ओनर या सेकंड ओनर है मैडम? फास्ट ओनर है। और कितना किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी है मैडम? 52,000 किलोमीटर चला हुआ है ना। स्विफ्ट न्यू शेफ्ट वाली है, टायर तो चारों नया मिल गया मैडम। बाकी मैडम क्या आस्किंग डिमांड पे दे रहे हो मैडम? 2016 की गाड़ी है ना, 450 इसमें भी नेगोशिएट कराएंगे ना, बिल्कुल। नेक्स्ट मैडम और एक स्विफ्ट है, यहाँ पे आ जाए मैडम थोड़ा सा इस साइड पे, ये भी न्यू शेफ्ट है, डिजायर है, बताइए मैडम स्विफ्ट डिजायर कौन सा ईयर्स की गाड़ी होगा? चारों चक्का इसमें भी नया लगा हुआ है, कौन सा ईयर्स की गाड़ी है मैडम? 2012 का गाड़ी है। और ओनर फास्ट है, सेकंड है मैडम? फास्ट ओनर है। और गाड़ी अनलॉक है क्या? तो अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ व्यूअर्स को, गाड़ी देखिए व्यूअर्स, गाड़ी जो है काफ़ी सुंदर है भाई, इस साइड से देखिए भाई। ओके, चारों टायर आप लोग को फ्रेश मिल जाएंगे। और अंदर से यहाँ पे इंटीरियर देखिए भाई, डॉल्टन इंटीरियर वाली गाड़ी है। ओ भाई साहब मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है। और यहाँ पे गियर नॉक जो है व्यूअर्स नहीं है, शायद आप लोग बातचीत करोगे तो आप लोग को लगा के दिया जाएंगे। और गाड़ी देखिए व्यूअर्स जितना हो सके आप लोग को दिखाएंगे। मैडम कौन सा ईयर बताया था? 2012 ना। आ जाइए थोड़ा इस साइड पे आ जाइए मैडम। और ओनर फर्स्ट है, सेकंड है मैडम? फर्स्ट ओनर है। और क्या आस्किंग डिमांड पे गाड़ी दे रहे हो मैडम? 350 इसमें नेगोशिएट कर देंगे ना मैडम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैडम, मैडम लास्ट गाड़ी यहाँ पे मारुति सुजुकी एल्टो एलेक्साई, बताइए मैडम कौन सा ईयर की गाड़ी होगा? 2013 की मॉडल है ना।
और गाड़ी भी बस आप लोग को थोड़ा सा घूम के दिखाएंगे। गाड़ी जो है काफ़ी सुंदर है, टायर कंडीशन वगैरह देखिए एकदम मज़ेदार है, बिल्कुल आप लोग को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और पीछे साइड से भी एक बार दिखाएंगे आप लोग को और इसके बाद फटाफट प्राइस भी बता देंगे। यहाँ पे देखिए गाड़ी जो है काफ़ी बवाल है और मैडम ने पहले ही बोला ये गाड़ी एकदम बवाल वाले प्राइस में देंगे। और यहाँ पे देखिए गाड़ी, देखिए भाई मैनुअल ट्रांसमिशन की साथ गाड़ी है और गाड़ी जो है काफ़ी साफ़ सुथरा है व्यूअर्स, जितना हो सके आप लोग को दिखाएंगे। आप जब गाड़ी लेने आओगे गाड़ी को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना, अच्छे से टेस्ट ड्राइव मरना, इसके बाद जो है गाड़ी बिल्कुल अपना घर ले जाना, अपना घर का शोभा बढ़ा देना। बाकी मैडम से जानेंगे, मैडम 2013 की गाड़ी है, कितना किलोमीटर चला हुआ गाड़ी था मैडम? 58,000 ना। और क्या आस्किंग डिमांड पे दे रहे हो मैडम ये गाड़ी? 175 में गाड़ी दे दिया मैडम ने, क्या बात है मैडम। इसमें सारे पेपर अपडेट मिलेंगे क्या? सारे पेपर अपडेट मिलेंगे, नेम ट्रांसफर भी मैडम की तरफ से करवा के दिया जाता है। यहाँ पे देखिए गाड़ी जो है काफ़ी सुंदर गाड़ी है और भी मैडम की पार्किंग में गाड़ी रखा हुआ है। आप लोग को चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, एक बार फोन लगाइए, बातचीत करिए और डील फाइनल करके बिल्कुल गाड़ी ले जाइए, अपना घर का शोभा बढ़ाइए। बाकी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करूँगा व्यूअर्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका ड्रीम कार जल्दी जल्दी आपको मिल सके। बाकी नई एक वीडियो के साथ जल्द से जल्द मिलेंगे व्यूअर्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।